हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुलाबो सिताबो और Z5 पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द कैसिनो। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको इसमें से कौन सी देखना चाहिए या दोनों नहीं देखना चाहिए। तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के लिंक को ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जिन लोगों तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती तो उस वजह से वो लोग मेरी वीडियोस नहीं देख पाते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे गुलाबो सिताबो से। ये एक मूवी है जो कि रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है 2 घंटा। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुजीत सरकार ने। इसमें हमें नजर आते हैं लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज, विजेंद्र काले और सृष्टि श्रीवास्तव। मूवी की कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां पर हमें नजर आते हैं मिर्जा यानी कि अमिताभ बच्चन जो रहते हैं फातिमा मंजिल में वाइफ बेगम के साथ। ये एक हवेली है जिसमें इनके साथ और भी टेनेंट्स रहते हैं यानी कि किराएदार रहते हैं। तो उन्हीं में से एक टेनेंट है आयुष्मान खुराना जो अपनी फैमिली के साथ वहां रहता है। लेकिन इन सारे टेनेंट्स में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये सारे टेनेंट मिर्जा साहब को टाइम पे किराए देते नहीं। और किराया कितना है? 30 रुपए। लेकिन वो 30 रुपए देने में भी लोग कई महीने लगा देते हैं। तो इसलिए मिर्जा साहब इन सारे लोगों से बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली आयुष्मान खुराना यानी कि बाके से। तो वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये सारे के सारे टेनेंट इनकी हवेली से चले जाए। अब उसके लिए वो क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मूवी में पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो देखिए, जो चीज इस मूवी की अच्छी है वो ये है कि इस मूवी को आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ये मूवी में आपको एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, स्पेशली अमिताभ बच्चन, विजय राज और सृष्टि श्रीवास्तव। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन बोलते ना, एक अगर स्क्रिप्ट वीक होगी तो एक्टर्स कितनी भी कोशिश कर ले वो मजा नहीं आता ऑडियंस को। और बिल्कुल इस मूवी के साथ वही होता है, स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि मतलब एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपको लिटरली इस मूवी को देखते देखते आपको नींद आ जाएगी। और मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को इसलिए कंटिन्यू करा क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था। उसके अलावा अगर इस मूवी के प्लॉट की बात करूं तो आप लोगों ने सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था ये तेरा घर ये मेरा घर। तो जो बेसिक प्लॉट है इस मूवी का आपको लगता है बिल्कुल उसी मूवी से लिया गया है। इसमें भी सुनील शेट्टी जो मकान के मालिक होते हैं वो महिमा चौधरी को अपने मकान से निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम पे भाड़ा देते नहीं और भाड़ा देते भी तो बहुत ही कम देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके की कहानी यहाँ पर आपको फील होती है। उसके अलावा मैंने सोचा था कि इस मूवी में हमको थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ कॉमेडी सीन्स है, लेकिन वो कॉमेडी सीन्स इतने ज्यादा है नहीं। और जहाँ पर आपको हंसी आना चाहिए वहां पर आपको हंसी आती नहीं है। और अगर इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो कुछ कुछ सीन्स इसमें ऐसे जो बेमतलब के डाले गए, यानी कि उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता, ना ही वो सब चीजें इसमें होना भी चाहिए था। क्योंकि ये मूवी 2 घंटे की, लेकिन अगर मेरे हिसाब से ये मूवी 1.5 घंटे की होती तो फिर भी ज्यादा अच्छी होती। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर साहब जो हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो मैसेज आता है एंड में, लेकिन उस मैसेज को देखने से पहले ही लोग इस फिल्म को ट्वीट कर देंगे तो फिल्म का मतलब क्या है। और इस मूवी में जो एक ट्विस्ट है वो आता है एकदम मूवी के एंड होने से जस्ट थोड़ी देर पहले। तो वो ट्विस्ट देखकर भी आपको ज्यादा हैरान होते नहीं हो। बस इस हिसाब से ये मूवी एक डिसेंट मूवी है। अगर आपको अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज सर पसंद है तो आप ये मूवी देखना उनके लिए एक बार जरूर। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी सोच के ये मूवी को देखना चाह रहे हो तो आपको पूरी तरह से डिसअपॉइंट करेगी। तो मेरे लिए ये 2 घंटा वेस्ट ऑफ टाइम था। अगर आपको फिर भी करना तो आपकी मर्जी। तो अब बात करते हैं द कैसिनो वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है Z5 ऐप पर। इसमें हमें तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलते हैं, हर एपिसोड करीब आधे घंटे के। इसमें हमें नजर आते हैं करणवीर बोरा, सुधांशु पांडे और मंदीना करीमी। खैर इस सीरीज की कहानी शुरू होती है नेपाल काठमांडू से, जहां पर हमें नजर आते हैं सुधांशु पांडे जिसका इस सीरीज में नाम है शिवा मारवा। वो एक कैसिनो के मालिक है और उनके बेटे का रोल यहाँ पर प्ले कर रहे करणवीर बोरा जिनका इस सीरीज में नाम है विकी। और अगर मंदीना करीमी की बात करूं तो वो यहाँ पर रोल प्ले कर रिहाना का जो कि उस कैसिनो में डांसर है। खैर कहानी में ट्विस्ट आता है जब शिवा मारवा का हो जाता है मर्डर। अब ये मर्डर किया किसने, ये सब कुछ तो विकी को जानकर उससे रिवेंज लेना है और साथ साथ विकी को कैसिनो भी संभालना है। अब उसके आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ चूतियागिरी होती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको यहाँ सीरीज में आपको और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ फालतू के कैरेक्टर है। और स्पेशली यहाँ पे मंत्रा की बात करूंगा तो मंत्रा भाई क्यों तुम वेब सीरीज करते हो मुझे बिल्कुल भी समझ में आता। या तो आप ठीक से एक्टिंग करना सीख जाओ या तो फिर आप वेब सीरीज कुछ सालों के लिए बंद कर दो। तुम एक नेपाली बंदे रिंजिन का रोल प्ले कर रहे हो, तुम नेपाली एक्सेंट तो ठीक से बोल रहे हो लेकिन जो तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो महा घटिया है। और मंदीना करीमी की बात करो तो वो मिस्ट्रेस के रोल में ज्यादा बेटर लगती है, लेकिन उसको उससे भी बढ़कर यहाँ पे जो रोल दिया है ना वो जरा भी डाइजेस्ट होता नहीं और बहुत ही चूतिया। मैं अभी क्या बोलूं यार, ये मतलब मेरा इतना मूड स्पॉइल की सीरीज ने। रणवीर बोरा की बात करें तो वो सीरियल में नेगेटिव रोल प्ले करते वहां पर वो अच्छे लगते लेकिन यहाँ पर एज ए हीरो वो इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे। उसके अलावा अगर इस सीरीज की अगर मैं एक्शन की बात करूं तो स्पेशली मैं यहाँ पर क्लाइमेक्स के एक्शन सीन्स का मेंशन करूंगा।
इतना ज्यादा फनी एक्शन सीन्स मैंने अभी जितने प्रीवियस में मूवीज या सीरीज देखा तो मैंने इतना फनी कहीं पे भी देखा नहीं। और वहां पर देख के मुझे दो चीज याद है, एक तो हम बचपन में जब लोग जो नकली गन लेके जिस तरीके से खेलते थे ना बिल्कुल वही फील आ रही थी। और दूसरा अगर आपने केआरके की एक मूवी देशद्रोही मूवी देखी होगी तो उसमें जो क्लाइमेक्स में बताया तो बिल्कुल वही क्लाइमेक्स की मुझे यहाँ पर याद आ रही थी। बस चीजें यहाँ पर थोड़ी मॉडर्न बताई गई है। अगर आप लोग सोचोगे इसके डायलॉग्स के बारे में तो मैं बोलूंगा कि उस पर अगर आप लोग नहीं बात करोगे वही अच्छा है। और ये सीरीज की बात करो तो यार ये फिर से वही बॉलीवुड ने किया है, पर उनकी वही पुरानी सब फिल्मों की कहानी उठा के एक रिवेंज ड्रामा यहाँ पर बना दिया गया और वेब सीरीज के नाम पे चिपका दिया गया ताकि ऑडियंस आके चूतिया बने। तो जितना ट्रेलर इसका खराब था उतनी ही वेब सीरीज भी खराब है और तकरीबन 4.5 घंटे के करीब इस सीरीज की ओवरऑल लेंथ है। तो यार मेरा तो पूरी तरह से 4.5 घंटा वेस्ट हुआ है। कुछ भी ऐसी चीज इसमें है नहीं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सके। तो आप लोग अगर इस सीरीज को पूरी तरह से इग्नोर भी कर दोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज का दिन पूरी तरह से वेस्ट मत करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर कोई लोग जा पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई लोग जो नहीं जा पा रहे उनको इतना बोलूंगा कि आज फ्राइडे है, अच्छा घर पे खाना पकाइए, फैमिली के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर कुछ देखना है तो कोई एनीमे सीरीज देख लो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वन ऑफ दी बेस्ट अटैक ऑन टाइटन। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो अगर ज्यादा लंबी हो गई तो मुझे माफ करना क्योंकि इस सीरीज के बारे में कुछ भी बताने जैसा है ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।